बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां आज सुबह मुख्य सेविका भर्ती 2021 पर लगे स्टे को हटाए जाने एवं परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर महिला अभ्यर्थियों ने यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। थोड़ी देर चले हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सभी अभ्यर्थियों को कई बसों में जबरदस्ती बैठकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया गया। इको गार्डन पहुंचते ही मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए धरना स्थल इको गार्डन में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की माने तो 3 साल से ये भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है। यदि संविदा कर्मियों ने इस भर्ती पर न्यायालय से स्टे ले रखा है तो स्टे हटवाने की जिम्मेदारी आयोग और सरकार की है। महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि इस भर्ती से हम लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, सरकार न्यायालय में प्रभावशाली ढंग से पैरवी करे और मुख्य सेविका भर्ती पर लगे स्टे को समाप्त कराए। महिला अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आयोग की मनमानी एवं लापरवाही के चलते प्रदेश की 34,000 बेटियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश की ये बेटियां बड़ी संख्या में आज सड़कों पर हैं। इन लोगों ने मुख्य सेविका भर्ती को लेकर आज यूपी ट्रिपल सी कार्यालय का घेराव किया था, जहाँ पर पुलिस बल द्वारा इन लोगों को जबरिया बसों में पुलिस के वाहनों में बैठा कर इको गार्डन भेज दिया गया। बताया गया था इन लोगों को कहीं और ले जाना था, लेकिन किंतु इको गार्डन भेज दिया गया, जहां ये लोग काफी आक्रोशित हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है इन लोगों ने। और इन लोगों की मांगे हैं कि जो मामला इनकी भर्ती का कोर्ट में लंबित है, स्टे है, उस स्टे को हटवाया जाए, सरकार इनके मामले में सफल पैरवी करे, अपना पक्ष रखे, इन अभ्यर्थियों का पक्ष रखे, ताकि 3 साल से ये लोग जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं इनकी चिंता दूर हो सके। इसी क्रम में ये मैडम लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर अंकिता हमारा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? सर हम मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं। सर ये वैकेंसी जो है वो 2021 के जब फर्स्ट पर यूपी ट्रिपल एससी ने पेट कंडक्ट करवाया था उसके थ्रू आई थी। सर 3 अगस्त को 2022 को इसका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद सर 24 सितंबर 2023 में जाके इसका पेपर करवाया जाता है। और सर पेपर भी कब करवाएगा? जब हमने धरना दिया, ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद तब जाके सर इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। 1 महीने बाद आंसर की आती है सर, उसके बाद फिर हमें पता चलता है उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसके बाद फरवरी 2024 में जाके इसकी रिवाइजन फिर की आती है। उसके बाद सर कुछ ही मतलब दिनों बाद हमें ये पता चलता है कि पहले से आईसीडीएस विभाग में संविदा कर्मियों द्वारा जो कार्य कर रही है 126 उनकी संख्या है, उनके द्वारा सर हमारी वैकेंसी पे जाके स्टे लगवा दिया जाता है। जबकि सर नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश है, उनका हमारे भर्ती से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो है वो आज उन्हीं के द्वारा जो 126 लोग वो लोग हैं, वो लोग 24 जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं 34,000 उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। और सर आज जब हम इसके लिए हमने किया क्या, हमने योगी जी से भी गुहार लगाई सर, हम जनता दरबार गए। और सर जनता दरबार हम लखनऊ भी जाते थे, गोरखपुर भी जाते थे सर, यहाँ तक कि हम एक दिन पहले जाके तस्वीर भी आप लोगों ने जनता दरबार की पोस्ट की है। हाँ आप देख सकते हैं कि तस्वीर है, ये अभ्यर्थी, ये महिला अभ्यर्थी, प्रदेश की बेटियां जिनको योगी जी कहते हैं कि नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, ये बेटियां एक समय था इनके दरबार में बैठी थी जनता दर्शन में और इनको आश्वासन दिया गया था, फिर क्या हुआ? सर उसके बाद आश्वासन ही मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। उसके बाद सर हमने पता है जनता पोर्टल जो जन सुनवाई ऐप है वहाँ पे भी जाके हमने इसके बारे में बताया। सर हमने हजारों की संख्या में सीएम ऑफिस भी लेटर लिखे, आईसीडीएस को भी लिखा, विभाग को भी लिखा, आयोग को भी लिखा, वहाँ से सर कुछ भी प्रतिक्रिया हमें मिलती ही नहीं है। उसके बाद सर हम लोग बहुत मतलब मंत्रियों से भी मिले कि ताकि हमारी बात योगी जी से तक पहुँच जाए, हमारी बातों को वो सुन ले, लेकिन सर कहीं से भी हमें प्लस पॉइंट ना मिलकर बस आश्वासन ही मिलता है। उसके बाद सर हम लोग ये जो आज रोड पर उतरे हैं सर ना, सब कुछ करने के बाद उतरे हैं सर, बहुत माता पिता पे सर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना, सच बता रहे, किसी की मां मर जा रही है 3-3 साल, किसी के बस इसीलिए कि हमारी वैकेंसी पूरी होगी। और मतलब सर ऐसी ऐसी लड़कियां ना सर जो बताने लगेंगी ना सर, किसी किसी के घर एक मतलब टाइम का खाना भी नहीं होता है, कैसे करके वो आज यहाँ आई है, दीदी पैसे दे दीजिए, हम भी चलते हैं अपनी बात रखने के लिए। सर कहाँ जाए हम लोग, किससे कहे सर, हम सब बहुत परेशान हो गए, हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान।